इस वीडियो का पहला पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसके लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप दोनों जगह से इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के एंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रतिभा को उस बॉक्स के साथ अकेले अपने होटल वापस जाते हुए देखते हैं। और तभी एक आदमी उससे आकर कहता है कि तेरा पति और बेटा मेरे पास है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो यहाँ से चली जा। और ये कहकर वो आदमी अपने होश में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया, आप कौन है मैडम। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं जब प्रतिभा अपने रूम में पहुंचती है तो चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और भागकर होटल स्टाफ और पुलिस को बुलाती है। पर जब सभी रूम में पहुंचते हैं तो रूम पूरी तरह से क्लीन था। जब पुलिस कहती है कि मैडम कहाँ पड़ा है खून और मांस के टुकड़े, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जब प्रतिभा कहती है कि इंस्पेक्टर साहब मैंने खुद देखा था, ये जरूर उस किन्नरी ने ही किया होगा, ये सब उसी का माया जाल है, इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, उस किन्नरी ने मेरे पति और बेटे को इस बॉक्स में बंद कर दिया है, आप इन्हें बाहर निकालिए। जहां इंस्पेक्टर कहता है कि मैडम आप ये क्या बकवास कर रही हैं, किन्नरी बॉक्स खून मांस, लगता है आपको इलाज की जरूरत है, खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, चलो यहाँ से। जिसके बाद प्रतिभा प्रकाश को फोन लगाती है और सारी घटना बताती है। जब प्रकाश कहता है कि भाभी हम अमिताभ और राहुल को जरूर बचा लेंगे, मुझे एक तांत्रिक मिल गई है जो किन्नरी साधना के बारे में जानती है, अब वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल देगी। जिसके बाद प्रकाश और बानी जो एक तांत्रिक थी वो दोनों प्रतिभा से मिलते हैं। जब बानी कहती है कि किन्नरी साधना काफी दुर्लभ साधना है, ये जो बॉक्स है वो एक यंत्र है जिसे किन्नरी साधना में इस्तेमाल किया जाता है, किन्नरी अप्सराओं की तरह खूबसूरत होती है जिन्हें देवताओं ने अपने मनोरंजन के लिए अपने मन की शक्ति से उत्पन्न किया था, और इस समय इस साधना को करना नामुमकिन है और ये यंत्र भी आसानी से नहीं मिलता। जब प्रकाश कहता है कि मैंने जो किताब अमिताभ को दी थी उसमें इस यंत्र के बारे में लिखा था। जब प्रतिभा कहती है कि बानी जी आप किसी भी तरह मेरे पति और बेटे को बचा लीजिए, जब बानी कहती है कि इसके लिए पहले हमें इस बॉक्स को खोलना होगा तभी हम जान सकते हैं कि दोनों कहाँ हैं, पर प्रतिभा कहती है कि इस बॉक्स को खोलने का कोई तरीका नहीं है, ना तो इसमें की हॉल है और ना ही ऐसी जगह जिससे ये बॉक्स खोला जा सके। जहाँ बानी कहती है कि ये बॉक्स किसी चाबी से नहीं मन की शक्ति से खुलता है, क्योंकि ये कोई साधारण बॉक्स नहीं किन्नरी साधना यंत्र है, और इसे खोलने के लिए मुझे अपनी विशेष शक्तियों का आह्वान करना होगा। जिसके बाद बानी उस बॉक्स को खोलने का प्रयास करती है और वो बॉक्स खुल जाता है, जहाँ उसे अमिताभ दिखाई देता है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, पर अमिताभ उससे कुछ नहीं कह पाता और वो बॉक्स बंद हो जाता है। पर इतना तो पता चल जाता है कि अमिताभ को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया है, पर कहाँ ये तो हमें वो किन्नरी बता सकती है, पर वो किन्नरी अब काफी शक्तिशाली हो गई है, अमिताभ ने उसे अपने मन की शक्ति से उत्पन्न तो कर दिया था पर अब वो उसके काबू से बाहर हो चुकी है, मुझे उस किन्नरी का आह्वान करना होगा, पर इससे पहले मुझे भी कुछ तैयारी करना होगी। जिसके बाद बानी अपनी साधना शुरू करती है और दोनों से कहती है कि चाहे कुछ हो जाए तुम दोनों इस मंत्र के घेरे से बाहर नहीं जाओगे, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। और वो अपनी साधना से उस किन्नरी संध्या को उस बॉक्स से बाहर लाती है, जहाँ वो किन्नरी आते ही प्रकाश को डरा देती है, जिससे वो घेरे से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है कि बानी उसे रोक लेती है और पूछती है कि बता उन दोनों को तूने कहाँ रखा है। जब किन्नरी बताने से मना करती है पर बानी उसे अपनी तंत्र साधना से तड़पाने लगती है, जहाँ वो कहती है कि बताती हूँ मैंने उन्हें शहर के बाहर झील के पास वाले जंगल में एक खंडर पड़े घर में रखा है। जब बानी कहती है कि अब ये किन्नरी पूरी तरह से मेरे बस में आ चुकी है, अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है क्योंकि आगे की साधना तुम दोनों नहीं देख पाओगे। जहाँ बानी उस किन्नरी से कहती है कि यह किन्नरी मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू मुझे अपनी कुछ शक्तियाँ देगी, तभी तू अमिताभ को अपने पास रख पाएगी और कोई भी तुम दोनों के बीच नहीं आएगा, बता क्या तुझे मंजूर है।
जहाँ वो किन्नरी कहती है ठीक है, पर इसके बदले में मुझे प्रतिभा की बलि चाहिए। और वो किन्नरी ये कहकर वहां से गायब हो जाती है। क्या बानी प्रतिभा के साथ धोखा कर रही है, या है कोई चाल उस किन्नरी को फंसाने की? जानने के लिए देखते रहिए आगे। वही बानी कहती है कि प्रकाश, उस मंत्र के घेरे से निकलने की जो तुमने कोशिश की उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, और अब हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उस वीरान घर में हम दोनों ही अंदर जाएंगे, तुम बस हमें बाहर तक छोड़ देना। जिसके बाद तीनों उस घर तक पहुंच जाते हैं और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, और प्रकाश बाहर ही रुक जाता है। जहां बानी कहती है कि प्रतिभा, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बांध दूंगी ताकि उस किन्नरी को लगे कि तुम कमजोर हो, जिससे आसानी से वो हमारे काबू में आ सके। और प्रतिभा को बांधते ही बानी कहती है, यारी मूर्ख, तूने क्या सोचा कि तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी? तुम लोगों की वजह से मुझे उस किन्नरी से कुछ शक्तियां मिलेंगी। जब प्रतिभा कहती है कि बानी, ये तुम गलत कर रही हो, छोड़ दो मुझे, और बानी उस किन्नरी का आह्वान करती है और कहती है कि जा ले ले इसकी बलि और दे दे मुझे अपनी कुछ शक्तियां। जहां वो किन्नरी कहती है कि जब तक ये जिंदा है अमिता मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, मैं चाहकर भी इसे कहीं और नहीं मार सकती थी, क्योंकि अमिताभ ने मुझे इसी घर में अपनी मन की शक्ति से सिद्ध किया था, इसलिए मेरी शक्तियां यहाँ सबसे ज्यादा हैं। और वो एक खंजर उठाकर जैसे ही प्रतिभा को मारने वाली होती है कि तभी प्रकाश वहां जाता है, क्योंकि उसे बानी पर शक हो गया था कि उसने उसे बाहर रुकने के लिए क्यों कहा था। और वो उस बॉक्स को उठाकर उस किन्नरी से कहता है कि भाभी को छोड़ दे, वरना मैं इस बॉक्स को जला दूंगा, फेंक दे वो खंजर। और किन्नरी उस खंजर को फेंक देती है, जिसे उठाकर प्रकाश कहता है कि बानी, इसे अभी अपने बस में कर, वरना मैं इस बॉक्स को जला दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। जब बानी अपनी मौत के डर से उसे काबू करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, पर वो किन्नरी कहती है कि बानी ऐसा मत कर, वरना काफी पछताएगी। पर वो किन्नरी बानी को घायल कर वहां से गायब हो जाती है। जहां बानी दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भटक गई थी, मुझे बचा लो, और दोनों उसे उसके घर ले आते हैं, जहां वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी उस किन्नरी को रोकने में। बाहर किन्नरी साधना की एक किताब रखी है, इसमें किन्नरी को बस में करने का एक मंत्र लिखा है, और यदि उस किन्नरी के कुछ बाल हमें मिल जाए तो वो हमारे बस में हो जाएगी, जिसके बाद हमें किन्नरियों की देवी का आह्वान करना होगा, वही उस किन्नरी संध्या को रोक सकती है और वही हमें संध्या से बचा सकती है। और हमें साधना के लिए उसी वीरान पड़े घर में जाना होगा जहाँ उसे सिद्ध किया गया था, और हमें उस किन्नरी के बाल कहाँ मिलेंगे? जब प्रतिभा कहती है कि मैं जानती हूँ हमें वो बाल कहाँ मिलेंगे, और दोनों अमिताभ के मकान मालिक के घर पहुँच जाते हैं, और रात को चुपके से ऊपर वाले कमरे में जाकर किन्नरी के बालों को ढूंढने लगते हैं। पर तभी संध्या वहाँ आ जाती है, जो कहती है कि क्या मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे बाल ढूंढने आए हो, और वो दोनों को मारने लगती है। जहाँ प्रकाश काफी घायल हो जाता है, पर प्रतिभा को वो बाल मिल जाते हैं, और जैसे ही वो उन बालों को किन्नरी के सामने करती है वो वहां से गायब हो जाती है। पर प्रकाश से अब उठा ही नहीं जा रहा था, और वो कहता है कि भाभी मुझे माफ कर दो, आगे मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप ये लड़ाई जीत जाएं। भाई प्रतिभा सीधा उस घर में जाकर किन्नरी देवी का आह्वान करने लगती है, पर तभी वो किन्नरी संध्या वहां जाती है, जो प्रतिभा को रोकने की काफी कोशिश करने लगती है। पर प्रतिभा को बानी की बात याद आती है कि जब तक तुम्हारे पास इसके बाल हैं और तुम मंत्रों की सुरक्षा घेरे में हो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और प्रतिभा अपनी साधना में लिप्त रहती है, और प्रतिभा की साधना से प्रसन्न होकर किन्नरी देवी प्रकट हो जाती हैं, जो कहती हैं कि प्रतिभा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। जहाँ वो कहती है कि हे देवी माँ, मुझे मेरे पति और बेटे को वापस लौटा दो, पर किन्नरी संध्या कहती है कि नहीं देवी माँ, इसकी बात मत सुनना। पर देवी माँ कहती है कि मैं इसकी साधना से प्रसन्न हूँ और मैं इसकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और वो प्रतिभा को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है, और अमिताभ उसके सामने आ जाता है, और किन्नरी गायब हो जाती है। जहां अमिताभ बताता है कि जब मैंने उस किताब को पढ़ा
तो मुझे किन्नरी साधना करने का जुनून सवार हो गया। मैं ऑफिस न जाकर दिन रात उस किन्नरी को सिद्ध करने लगा और कुछ दिन बाद मेरे मन की शक्ति से किन्नरी मेरे सामने आ गई, पर अभी मैं उसे छू नहीं सकता था। और पूरे 3 महीने बाद वो जीती जागती मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसके नकली डॉक्यूमेंट बनाकर उसे अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दी ताकि 2400 घंटे हम एक दूसरे के सामने रह सके। वो मेरी हर इच्छा की पूर्ति करने लगी। मुझे अपने परिवार से भी दूर कर दिया उसने। वो मुझे खुद से दूर नहीं देख पाती थी, जिससे मैं भी तंग आ गया था। और एक दिन उसने मकान मालिक को मारना चाहा, और अब मैं मन बना चुका था कि इस किन्नरी को वापस उसकी दुनिया में भेज दूं। पर वो मेरे शैतानी मन की वजह से उत्पन्न हुई थी, जिससे वो काफी शक्तिशाली बन गई थी और वो मेरे काबू से बाहर हो गई और उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। पर मैंने उसके प्यार को नहीं अपनाया और उसने राहुल को भी मेरे साथ कैद कर दिया ताकि मैं उसका हो जाऊं। वो मुझ पर तो काबू कर सकती थी पर मेरे मन पर नहीं, इसलिए मैं अपनी मन की शक्ति बढ़ाने लगा और इस वजह से उसने राहुल को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं यहाँ तुम लोगों को देख पा रहा था पर तुम मुझे नहीं, उसी तरह हमें राहुल दिखाई नहीं दे रहा, पर वो यही है। और प्रतिभा सीधा वाणी से इसका हल पूछती है कि राहुल को कैसे बचाया जाए, जहाँ वो कहती है कि उस किन्नरी को अमिताभ नहीं अपने मन की शक्ति से उत्पन्न किया था और वही मुक्ति मंत्र बोलकर इसे नष्ट कर सकता है। जहाँ अमिताभ अपनी साधना शुरू कर देता है पर वो किन्नरी प्रतिभा को नुकसान पहुँचाने लगती है, जिससे अमिताभ उस सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाता है। जब प्रतिभा कहती है कि आप अपनी साधना जारी रखिए, ये किन्नरी यही तो चाहती है कि हम भटक जाएं। और जैसे ही अमिताभ वापस साधना करने के लिए जाता है तो किन्नरी उसे घेरे में जाने से पहले ही मारने लगती है। जब प्रतिभा सोचती है कि यदि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा मन और इनका मन अगर एक है, हमारे विचार एक हैं, तो मैं भी इस किन्नरी को अपने मन की शक्ति और साधना से नष्ट कर सकती हूँ। और प्रतिभा जैसे ही साधना करके मुक्ति मंत्र पढ़ती है तो वो काफी तड़पने लगती है। और प्रतिभा और अमिताभ दोनों मुक्ति मंत्र बोलकर किन्नरी संध्या को सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं और वो किन्नरी उस बॉक्स में बंद हो जाती है और राहुल भी वापस आ जाता है। और इसके बाद उस बॉक्स को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और सबकी जान भी बच जाती है। और इसी के साथ किन्नरी साधना इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।